Я бы сказал, братишка, притормози здесь у обочины. Нужно поговорить. Бро. 5 lakh में बस इतना ही. को पैसा बर्बाद. अच्छा रुको. इसका हुड ओपन करके देखते हैं. हुड ओपन करके देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस है. Yo, what's up, gamer भाई लोग, कैसे हो यार आप सभी लोग. और गाइस यार, आप सभी का दोबारा से स्वागत है रशियन कार ड्राइवर सेंटर में. और गाइस यार, पहले तो दिल से शुक्रिया, लास्ट वाले वीडियो में आप सभी ने मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया. और भाई, मेरा लाइक का टारगेट है वो भी आप सभी ने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया था, जो कि था 5 likes का टारगेट, ऑलमोस्ट 4 हो चुके हैं. और भाई, उसके लिए भी दिल से शुक्रिया. और गाइस यार, अभी बात करें लास्ट वाले मिशन की, तो भाई लास्ट वाला मिशन काफी ज्यादा खतरनाक था. एक्चुअली गाइस, लास्ट वाले मिशन में जो किलर है उसको हम लोग फाइनली पकड़ चुके थे. और भाई, उसके चक्कर में मैंने एक चीज रियलाइज किया कि हमारा गाड़ी काफी ज्यादा स्लो है भाई, काफी ज्यादा ये कछुआ चलता है. इसलिए पहले तो मैं सोचा कि इसका बम्पर अपग्रेड करूंगा, लेकिन बाद में भाई मैं रियलाइज किया कि भाई इसका इंजन अपग्रेड कराना ज्यादा सही रहेगा. इसलिए गाइस, हम चले थे हमारे मैकेनिक के पास. ऑलराइट गाइस यार, हम आ चुके हैं हमारे गेम के अंदर. और भाई, जैसा कि मैं बता रहा था कि हम गए थे हमारे मैकेनिक के पास. और भाई, मेरे पास था 48 ड्राफ्ट था. और भाई, इंजन को अपग्रेड कराने के लिए, अनलॉक करने के लिए 40 ड्राफ्ट लग रहे थे, तो मैं फटाफट से अनलॉक कर दिया. लेकिन भाई, उसके बाद उसका प्राइस देखा तो भाई मेरा होश उड़ गए थे. उसका प्राइस था 5 lakhs और मेरे पास ओनली थे भाई 2 lakhs. तो भाई, अब बम्पर का तो छोड़ो, इंजन भी अपग्रेड नहीं होगा उससे. तो सो भाई, मैं तो भिखारी था भाई. मैं रियलाइज़ किया था भाई, मेरा पंचर है क्या टायर, ऐसा आवाज़ क्यों कर रहा है. सो गाइस, फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा पैसा कमाया जाए, इसलिए मैंने ग्रुप एफ का लाइसेंस लिया, डिफरेंट रेसेस किया. और भाई, ऑलमोस्ट अभी हमारे 5 lakhs होने वाला है. और भाई, फिर सोचा कि चलो यार, एलेक्सी का जो मिशन है वही कर लेते, तो उससे हमको 30-40 हज़ार मिल जाएंगे. और भाई, हमारा जो 5 lakhs का टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा. तो गाइस, हम लोग अभी जाएंगे फाइनली एलेक्सी के पास और देखते हैं भाई क्या ही मिशन, क्या ही मिस्ट्री अभी सॉल्व करना होगा. और प्रोबेबली ये जो मिशन है, ये लास्ट मिशन होने वाला है हमारा एलेक्सी के साथ, जो कि हमारे बैंडिट केस के ऊपर ही हो सकता है. तो भाई, फटाफट से चलेंगे अभी हमारे एलेक्सी भाई के पास और देखते हैं भाई कौन से. और भाई, ये धूप बहुत ही तेज आ रहा है यार, आँख में लग रहा है. सो गाइस, अभी चलते हैं भाई एलेक्सी के पास और देखते यार कौन सा मिशन होने वाला है. आए हैं हमारे एलेक्सी के पास. और भाई, लास्ट वाले मिशन में हम लोग जो हमारे क्रिमिनल को पकड़ लिए थे, और आई थिंक आज वाला मिशन हमारा लास्ट मिशन होने वाला है एलेक्सी के साथ. सो देखते हैं भाई क्या ही मिशन होगा अभी. ऑलराइट गाइस, इधर हमारा जो है टास्क अपडेट हो चुका है और हमें जाना है एलेक्सी के घर में. तो अभी गाड़ी के अंदर जाएंगे और गाड़ी को करेंगे स्टार्ट. ऑलराइट गाइस, तो यस गाइस, ये जो इसका नाम जैसे सजेस्ट कर रहे हैं, द लास्ट केस, आई थिंक भाई ये हमारा एलेक्सी के साथ लास्ट केस होगा. और भाई, वो टाटा बाय बाय कर देंगे हमारे को. सो देखते भाई. लेकिन भाई, हमारा बैंडिट वाला केस का क्या हुआ यार, मतलब किसी के लिए तो उसको बुलाया था और वो वाला केस ना सॉल्व करके मेरे को काम करवा के पूरा एकदम, और हमारे केस नहीं सॉल्व किया यार, ये कैसा बात हो गया. सो इसीलिए हम जाएंगे अभी एलेक्सी का. रुको यार, मैं गलत रास्ता ले लिया यार बोलते. ऑलराइट गाइस यार, हम इधर से लेंगे लेफ्ट और फिर से लेफ्ट लेना पड़ेगा आई थिंक. ये किसको पता, ये वाला लोकेशन हमारा फर्स्ट मिशन इधर ही था, जब हम लोग वैसली को मदद किए थे उसके काम में, तब वो उसका गाड़ी ख़राब हो गया था. उसका जो वर्कर्स है उसको हम लोग इधर लिफ्ट दे दिए थे अलग अलग जगह से उठा के. और राइट भाई, हम लोग अभी 200 मीटर दूर है आई थिंक, इस जो बाउंड्री है उसके पार है. अच्छा गाइस, इधर जो है हमारा एलेक्सी बाहर ही खड़ा है, हमारा वेट कर रहा था. तो देखते हैं भाई अभी क्या बोलता है वो हमको. सो मैं पढ़ देता हूँ फिर. ऑलराइट गाइस, मतलब जो हमारा एलेक्सी बाय है वो लास्ट केस का कुछ सामान अपने घर ले आया था. तो अभी उसको क्या करना है, उसको रिटर्न जमा देना है उसको. रुको यार, इधर से रास्ता होगा क्या, मैं अब देख लेता हूँ एक बार, नहीं तो घूमना नहीं पड़ेगा. इधर से हम लोग सीधा जाए, ओके इधर से भी हम जा सकते हैं, इधर ही हम लोग का रास्ता सही होगा. सो गाइस, एलेक्सी जो था लास्ट केस का कुछ सबूत या फिर मटेरियल अपने घर ले आया था, अभी उसको जमा देना है उसको फिर से दोबारा डिपार्टमेंट में. तो हम उधर ही जाएंगे अभी. मेरे को ये पर्सनल ड्राइवर बना लिया यार, और पैसा भी नहीं देता है, ये बात गलत है ना गाइस. यार फिर से जो था सिस्टम स्टोरेज फुल का मैसेज आ गया था, उसके लिए ज़रा सा सॉरी मैं कह देता हूँ. और गाइस यार, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. भाई लास्ट वाले वीडियो में आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू. और भाई, मैंने लाइक टारगेट रखा था
पाँच लाइक का करीब करीब हो चुका था मतलब, और कितना चार लाइक्स हो चुके थे, उसके लिए भी थैंक यू गाइस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। अरे इनको यार बाबा तो क्या, सॉरी सॉरी चचा, माफ़ करना यार, कुछ नहीं हुआ, अभी भाव क्या दिखा रहा, जाना इधर से। और राइट गाइस यार इधर हम, अच्छा हमको इधर सामने जाना पड़ेगा, अंदर नहीं जाना पड़ेगा, इधर ब्रेक लगाएंगे। और राइट पहुँच ही गया। तो गाइस मैं बोल रहा था थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, इट्स रियली मेक्स मी हैप्पी एंड मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू, इसके लिए धन्यवाद। तो भाई अभी एलेक्सी हमको कुछ बता रहा है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ फटाक से। राइट गाइस एलेक्सी का आई थिंक हमारे साथ अभी टाटा बाय बाय होने वाला है। एक्चुअली गाइस एलेक्सी बोल रहा है कि भाई हम लोग इधर आ चुके हैं, और भाई आप मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो क्योंकि मैं प्रमोट हो चुका हूँ डिपार्टमेंट में, सब काम हमने किए और भाई हमारा प्रमोट हो चुका है, चोर को हमने पकड़ा, सब कुछ किया, हमको भी प्रमोट करना चाहिए ना, हमको भी डिपार्टमेंट में ले लो, कुछ काम हम दे दो अच्छा खासा सैलरी के साथ। सो ऑलराइट गाइस यार, तो अभी क्या हुआ, तो वो जो था लास्ट केस था जो हम लोग किलर को पकड़े, वो लास्ट केस था इधर, और अभी ये कुछ अलग कुछ काम करने वाला है जो इसको पसंद आएगा वो भी, अगर कुछ, और बोल रहा है अगर कुछ इल्लीगल तुम्हारे साथ हो तो मेरे को ज़रूर बताना, और वो बोल रहा है कि मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। सो भाई ओके कॉन्ग्रेचुलेसन कर लेता हूँ। इसके बाद क्या बोला, यस अबाउट द, वही मैं सोच रहा था भाई हमारे रॉबरी के केस का क्या हुआ, तो अभी ये रॉबरी के केस के बारे में कुछ बोलने वाला है। और राइट गाइस यार एलेक्सी हमें इधर हमारे रॉबरी केस के बारे में अपडेट दे रहा है फाइनली यार। तो भाई वो बोल रहा है कि उसने अपने एक दोस्त को उसके अंडर रखा था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और भाई वो बता रहा है कि हमारा जो कार्गो था, मतलब हम जो कार्गो डिलीवर कर रहे थे, वो कोई एक रिची नाम का बंदे का है, और भाई वो एक काफ़ी खतरनाक सा क्रिमिनल है, और उसके बंदे हर जगह है, हमारे डिपार्टमेंट में भी है। सो भाई वो बोल रहा कि भाई मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं कर सकता है, मेरे को माफ़ करना। तो वही बोल रहा है भाई, मतलब हमारा केस कुछ हुआ ही नहीं यार एंड तक, और भाई वैसली को भी अंडरग्राउंड करके रखा इतना दिन। अच्छा भाई इधर हम लोग को एक फेयरवेल मैसेज दिया जा रहा है एलेक्सी की तरफ से, पूरा के भाई मेरा ड्राइवर रिकवर हो चुका है, तुम्हारा ड्राइवर का नौकरी भी गया इससे, जो कि तुम फ्री में कर रहे थे, और अभी तुमको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम अपना काम कर सकते हो। इनडायरेक्टली हमें इधर से भगा दिया जा रहा है और कुछ नहीं, और बोल रहा है तुम मेरा बहुत ज़्यादा मदद किए, थैंक यू, मैं तुम्हारे मदद के अलावा ये कुछ नहीं कर सकता था, और भाई टेक केयर, अपने रोड में अच्छे से चलना, और बाय बाय, अभी मैं बोल शेक हैंड करेंगे। और ऑलराइट गाइस यार हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, फाइनली हमारा ड्राइवर का सैलरी भी मिल चुका है, जो कि है कितना है 35,000 ओनली, और 20 का हम लोग का एक्सपी पॉइंट भी मिल चुका है। अभी हम देखेंगे कि हम फाइनली जो है हमारा इंजन को अपग्रेड कर पाएंगे या फिर नहीं। सो ओके इसको करते हैं क्लोज। बड़ी एलेक्सी वैसली अभी मेरे को फाइनली यार गाइस यार एलेक्सी को टाटा बाय बाय करने के बाद वैसली हमको मैसेज कर चुका है, और भाई वैसली का दोबारा से एंट्री हो चुका है, और भाई आई थिंक हमारा जो एलेक्सी भाई है वो अभी टाटा बाय बाय कर दिए हम लोग को, अभी देख लेते हैं। हाँ गाइस यार इधर एलेक्सी का लोगो हट गया है और वैसली का लोगो आई होपफुली आ चुका होगा, नहीं आया यार, किधर है वैसली का लोगो, और वैसली को किधर छोड़े थे वैसली, अच्छा रुको वैसली का मैसेज क्या था, मैं पूरा पढ़ लूँ पहले एक बार, मैसेजेस में जाना पड़ेगा, फ़ोन में मैसेज में, बड़ी वेयर हैव यू गॉन, आई एम वेटिंग फॉर अ विजिट। अच्छा वो मेरे को अभी बोल रहा है रुको यार इंजन बंद करो, वो बोल रहा है भाई तुम हो किधर, मेरे को विजिट करो यार, तुम्हारा बिना तुम्हारा बड़ी एकदम सूखा पड़ गया है। तो वैसली है किधर वैसे, मेरे को वैसली का लोकेशन तो नहीं दिख रहा है, वेयर आर यू वैसली ब्रदर, वैसली तो इधर ही होता था पहले, वी लिखा हुआ आता था। अच्छा इगर का तो लोकेशन है, रुको माइनस करना पड़ेगा, किधर हो वैसली दादा, कहाँ ढूंढूं भाई आपको बताओ तो, काफ़ी देर मैंने वैसली को ढूंढा पर भाई वो मिल ही नहीं रहा यार, कहाँ होगा भाई, घर में चला जाओ क्या एक बार, हमारे घर जो कि है जुको, वो उधर चला जाओ क्या एक बार। ऑलराइट गाइस यार फाइनली जो है हमारे चिको वो विलेज में पहुंच गए हैं, अभी देखना पड़ेगा कि वैसली इधर हमको मिलता है या फिर नहीं। गाइस नहीं यार इधर भी नहीं मिलेगा भाई, क्या मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई वैसली को तो हमको कहीं और ही छोड़े थे, और भाई इधर तो मिलने का चांसेस एकदम जीरो है, तो कोई इधर कोई तो है उसके घर के बाहर, दो बंदे रुको, उसका घर तो इधर नहीं है, उसका घर तो इधर है ना, तो एक मिनट में चेक कर लेता, अगर वो घर में होगा तो फर्स्ट क्लास, नहीं तो नहीं घर में नहीं, वैसली है यार, वैसली घर में है, तो यही होगा वैसली, आई थिंक उसके जैसे ही तो लग रहा है,
वैसली वैसली हो क्या वैसली? नहीं यार ये वैसली नहीं है यार, सिट यार। सो ऑलराइट गाइस, यार काफ़ी देर वैसली को ढूंढने के बाद भी मेरे को वो नहीं मिला, मैं इधर उधर कहाँ कहाँ नहीं गया। तो भाई फाइनली मैं सोच ही रहा हूँ कि इसी वीडियो में जो है मैं अपना इंजन अपग्रेड कर लूँगा भाई, क्योंकि भाई आई थिंक वैसली का चैप्टर मेरे लिए क्लोज हो चुका है, क्योंकि गेम में ग्लिच हो चुका है मेरा। अगर वापस आए बाद में तो आएगा, नहीं तो भाई वैसली का हो चुका है टाटा बाय बाय मेरे लिए। भाई अगर कुछ इसका सॉल्यूशन होगा तो ज़रूर बताना यार, मैं लिटरली भाई काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ इस चीज़ को लेके। मतलब गेम का आधा पार्ट एक्चुअली ग्लिच में ही ख़त्म हो गया यार, बहुत ही बुरा लग रहा है मेरे को अभी। कर भी क्या सकते हैं, कुछ तो कर नहीं सकते। मैं 2-3 बार स्टार्ट किया, अगर हमें क्लियर डाटा किया, होपफुली इसमें गूगल जो ये रहता है गूगल प्ले वो इतना अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि भाई मैं दूसरे डिवाइस में थोड़ा इसको चलाने का ट्राई किया था और सेम जो था मेरा गूगल आईडी उससे लॉगिन किया, लेकिन भाई उसमें न्यू गेम शुरू हुआ, ये वाला गेम शुरू नहीं हुआ था। कि अगर देखता हूँ उधर मैं गैरेज में घुस के इधर से बात करके, अगर ये ठीक हो गया तो सही है, वैसली को मैं मिल गया। मतलब मैं वैसली को मतलब क्या बोलते उसको, भाई माफिया माफिया मेरे को पकड़ रहे हैं ब्रो। भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड सीन हो गया मेरे साथ। भागो यार भागो भागो। भाई मैं डर गया था एक्चुअली एक टाइम में, मेरे को लगा मेरा गाड़ी तो गई और मेरा भाई 5 लाख है मेरे पॉकेट में। अरे भाई साहब अभी मेरे को पता चला है बैंक क्यों ज़रूरी है, और भाई आई थिंक ये पुलिस देख के वो लोग चले गए। ऑलराइट गाइस यार मैं हम लोग आ चुके हैं हमारे इधर भाई के पास, एक्चुअली में सर्विस सेंटर होपफुली इधर खुला रहता है ना सर्विस सेंटर। ऑलराइट गाइस यार सर्विस स्टेशन खुला हुआ है, और रिपेयर में कितना लग रहा है इधर मेरे कॉस्ट, इधर 300 लगेंगे तो कर लूँगा मैं रिपेयर। उसके बाद भाई फाइनली जो है हम हमारे इंजन को अपग्रेड कर देंगे, होपफुली जो है हमारा गाड़ी जो है स्पीड में भागने लगेगा। अगर नहीं भागा तो भाई ये लिटरली भाई ये मेरा जो मेहनत है पूरा एकदम बेकार जाएगा। और राइट भाई मेरे इधर से 5 लाख डिडक्ट होने वाले हैं जो कि मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। तो फाइनली यार द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ। ओम टूम धीम धाम खिड़ी कड़ांग ओम राम। तो यार यह इंस्टॉल हो चुका है और मेरा जो बैंक बैलेंस है वो हो चुका है खाली ओनली 13,000। और भाई इसको मैं रैप करूँगा, रैप करके आपको दिखाता हूँ कि भाई इसका जो साउंड है वो कैसा होने वाला है। देखो तो रैप कैसे होता है। भाई विंच भी खरीदना था यार, विंच कितना का है भाई? 1,90,000। सो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मैं विंच भी खरीदने का ट्राई करूँगा, क्योंकि भाई विंच बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थिंग है। मतलब अगर आप मिट्टी उट्टी में फंस जाते हो तो वो सामने कुछ स्पाइडरमैन का जाली टाइप का छोड़ के आपको उधर से खींच के निकाल लेता है, जो कि काफ़ी एफिशिएंट चीज़ है। और राइट भाई हम लोग आ चुके हैं सर्विस सेंटर के बाहर, सर्विस स्टेशन के बाहर। आई थिंक होपफुली हमको इधर अभी इधर का भी मिशन तो नहीं मिलेगा, नहीं अभी 17 से 22 घंटे के बीच। अभी कितना टाइम हो रहा है मैं चेक कर लेता हूँ अभी। सो भाई अभी 22, अरे जस्ट अभी क्लोज हुआ वो। सो गाइस फाइनली जो है हम हमारे इंजन को अपग्रेड कर लिए हैं और अभी चलाएंगे। भाई मेरा ड्रीम कार बन चुका है ये तो भाई। अभी तो अभी इसको हम ड्राइव करेंगे और देखेंगे इसका परफॉर्मेंस टेंस का पिकअप। अरे सब कुछ 100% वद्दा है तो अच्छा। रुको इसका हुड ओपन करके देखते हैं, हुड ओपन करके देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है भाई, ये तो हम लोग को बोका बना दिया, बाका तायो। इसको बंद करो, मेरे को लगा कुछ तो डिफरेंस आएगा उधर, नहीं आया भाई। वो माफिया यार भाई कुछ तो फील आ रहा है आई थिंक। तो मैं पहले स्टॉप करूँगा पूरा, उसके बाद खींचूँगा भाई। ज़्यादा कुछ डिफरेंस 5 लाख में बस इतना ही टॉप स्पीड। इसका टॉप स्पीड चेक करें, रुको टॉप स्पीड चेक करने के लिए हमको कहीं ओपन में जाना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टॉप स्पीड चेक करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, और भाई लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 10 लाइक का, करा दो यार प्लीज़ यार करा दो। तो आप ही मेरे दिल हो, आप ही मेरी जान हो, करा देना भाई यो। ठीक है चलो आज के लिए गेम प्ले इधर ही रखते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू सायनरा, एंड हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, और ध्यान रखना अपना। बाय बाय।